चंदा रे चंदा। चाचा चाचा सुनो ना, मेरा एक ठो काम को कर दू ना। तोर का काम लग रहा रे? आप कर सकते हो आप? का काम रे बता बे रे। सुन ना, मेरे को सिला बिनने जाना है मेरा संगवारी मन के साथ में। संगवारी मन के साथ में जाबे? मम्मी नहीं ले रही है। तोर मम्मी का कही से तोला? मम्मी कही थे दादा, का कही तोर मम्मी? मत जा, मत जा बेटा, कहा झड़ती आई ना तो तोर मिल जाए, ठीक है? खरवन नहीं, वहाँ पर मजा आता है। अरे मना करे तो काहे जाबे आते हैं? नहीं, एक नंबर खाबे का मुला नहीं, तीन ले अच्छा लगता है चाचा। प्लीज चाचा, प्लीज प्लीज। अरे तोर अम्मा हाँ गोरिये गारी रही के मस्त घर में रखे, चुक ले सुंदर संभाल के, और उतका बड़े स्कूल में पढ़ाते आता इसने कर बे थोड़ी बनी बेटा, चल जा। फिर भी जाऊंगा। अरे यार मोर बात ल मानत नहीं है, तोर बाबूल देखे कैसे करिए? आप तो जाते हो, आप कैसे गोरे हो? मम्मी कैसे गोरी होगा? अरे उम्र मूल लढ़ाके रही थे है ना, तोर बाबूल देखे कत्ता करिए है, देखा सीती उसने मत हो के तहूँ ल नहीं भेजा थे, ठीक है? तो बात ल माने कर बड़े के, ठीक है? जितना के था तोर बात ल काटे हो का नहीं काटे हो ना? हाँ चल जा। ये कहाँ भौजी घलो हो, कहाँ शहर के ब्याह है, और अभी तक छत्तीसगढ़ ही सिखो नहीं है, समझ नहीं आया? ऐसे खाऊंगी जी, वैसे खाऊंगी जी, ये तार दादा इसे कैसे कैसे कहते हमला नहीं आवा है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया है तेरा जान था। चल थोड़ा सा बचे हवा, आधा तो हो गया हवा, आधा बच गया पूना। हाँ? चल तो खेत में बचे रिश ना आधा, और बोझा उझा बांधबो नानबो। फिर तो मैं खेत पे नहीं जाऊंगी जी, अब भी इसको भात को रान के बैठू, मेरे को मूड कान करने दो अच्छे से। अरे तो कैसे करबे बोला, नाने लगी आधा बचे हवा। वाह, तो आप तो बोल रहे थे ना, क्या वो हार्वेस्टर बोलते हैं ना उसको, बोझा सोझा के लिए? हाँ। बोझा बोझा बोलते हैं ना उसको? नहीं है, बोझा 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 जी। हाँ सीखा था मतलब। सीख रही हूँ ना धीरे धीरे, आप बोलते हो ना जल्दी जल्दी सीखो करके, इसलिए सीख रही हूँ जी। मेरे लेकिन ठीक से तो हिंदी आवा नहीं तोला, अब जैसे तय हवा तो इसने वो छोटे फागु बोला सीखवा था। हाँ तो कैसे नहीं सीखोगी, वो मस्त स्कूल में पढ़ेगा, फिर मस्त मिनिस्टर सिनिस्टर बनेगा, तो कितना अच्छा पैसा कमाएगा है ना? नहीं लेकिन चल जल्दी जाओ। मैं नहीं जाऊंगी जी, एकदम मेरे को अच्छा नहीं लगता है, एकदम ना थर थर राशि टाइप लगता है मेरे को, मैं नहीं जाऊंगी भाई। जाबो थोड़ा सा बच्चे है, आधा टाइम खत्म हो जी। और का कहते हो? हाँ है टोपी चल ले, हाँ टोपी चल ले पहले के खेत चल रहे जी। हाँ इसने बोले कर खेत चल रहे की सीखा था बातें। हाँ। सीख रही हूँ जी, आपके लिए सीख रही हूँ जी मैं छत्तीसगढ़ी बोलना, ताकि आपको अच्छा लगे। चल बता जाबो, जरूरी अच्छा जी? हाँ बहुत जरूरी है, तो अकेला बेचारा का करी बता तो? तो आप जाओ ना जी। नहीं तोर भी ना मोला अच्छा नहीं लगे। चल चल, अब चलना था उठना उठना था उठना ये पैर वाले। चल चल, मम्मी पापा मैं भी जाऊंगी। काहे मम्मी पापा के साथ? अबे दाए बाबू कहे कर रहे तगला। वाह क्यों डांट रहे हो मेरे प्यारे से बच्चे को, हिंदी मीडियम में पढ़ता है तो हिंदी में ही तो कुछ है ना। नहीं तगा, दाई बाबू की मस्त छत्तीसगढ़ी भाषा कितना मस्त मिठास है, हम लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे और मस्त से इसको ना ऐसी हिंदी बोलना सिखाएंगे। हाँ लेकिन तेह ना खेत उतने जावा, जान जा अपन काम वामला करबे। जाऊंगा। लो जी जाने का मन है ना तो मेरे लड़का को जाने दो। लड़का? ये सीख रही हूँ जी, आपके लिए सीख रही हूँ। तो ने कर आज ही है जाही तो। हाँ, तो मोरिया से नहीं मम्मी जाऊंगा। हाँ जाएगा बेटा, जाएगा जाएगा, ले जाते हैं ना जी। तो गुरुजी है ला काम देते ला नहीं करी? अच्छा होमवर्क दिया उसको कंप्लीट कर लिया बेटा? नहीं खेत में ही कर लूंगा। हाँ हाँ कर लेगा जी, चलो। हाँ जा जा पकड़ ले अपना होमवर्क पूरा पकड़ लीजा। ओके मम्मी। पापा आपका टोपी मैं पहनूंगा। पापा आपका हेयर फॉल हो रहा है। उसको फाल बोलते हैं और आपके बाल को हेयर बोलते हैं जी, इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है इसलिए ऐसा बोल रहा है जी। समझो पापा समझो। का सुख होता था, छत्तीसगढ़ी सीख रहते हैं भाई, उसने मत बोले कर डरा के उन्हें मर दी। क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ी ही? कुछ नहीं। हाँ। जा 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 तू अपना बुक वगैरह पकड़ ले जा। ओके मम्मी। हेयर फॉल हो रहा है? हाँ तो आपको बाल झड़ रहा है जी, आप भी ना तेल लगाया करो अच्छा वाला। हाँ हाँ सरसों तेल लगा हूँ। चला चलो कुछ काम पड़े है, खेतों डहर के काम पड़े है, जाने लो कामो करे तो चला थे। बनियान लगाल पड़ी है, काग से लाल भाजी लगा। सुनना जी
चना खेत डहन जाते नो तुर बोझा बंधा के लाते और एक खेत बांचे तिल हार्वेस्टर मना ही करवा दे कटवा देते। हाँ हाँ ठीक कहा सकते चल उसकी खेत डहन बीज बुछा दी तो चल दोहारे बार घला के ना बोझा मना चल। हाँ इतनी बार के बोझा बंधा गे देती बार के बाज के अब भैया मनाते छोड़ भैया बुझी वत देवा टोपी हा ओखरेज बर तो आ हम साड़ी पहन के लड़की मला देखते ते एकदम बौरा जाथे वह जाथा दू तीन बोझ जठा ओला ऐसे टूरी मला देखते ते एकदम मुहा जाथे ओखरेज बर आ हम कटकड़े माही भैया भौजी हा आते छौ कह दी छौ तै कौन है जी मैं हां मैं ना होती खाले पारा खरा खाले पारा कौन है मैं साड़ी पहन के रही था मैं है ना सिला बिने पर आया हूँ अब तैं क्या करे बरा है मैं बोझा बांधे आ रहे हूँ खाले पारा के अस्ता है फिर तैं हाँ काखर लेके आ काखर बेटी अस्ता है मैं हाँ मैं सत्तू कह रहा सत्तू कह रहा तो सत्तू तो नहीं हो रही इसका हाँ सत्तू की अस्ता है ओखरे बेटी इसका काना है तो मोर मोंगरा ना है दादा बोलो क्या मुझे तीसरा गेट सही ए दादा कैसे करत छे गदर फदर कर दी तैसे लागत छे अब तो शादी हो गई का शादी मोर तो नहीं हो है अभी कुंवारी हां नहीं हो है नहीं हो है सही अभी कुंवारी हां 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 त ये दे हमरे खेत में सिला बिन ले मिलता है हां हां हैं ओखरे पर तो आ हां सिला बिन में सही हां मूर्ति में लेकिन बैठबे चल देवे अभी भैया भौजी नहीं आ पाए सुनना चल कैसे कैसे कहता था तो बने तो कहा था मैं कैसे कैसे कहा था और सुनना एकदम तो थोथनाल दिखान जी नहीं दिखावा हां हां नहीं दिखावा काबा इसने बार नहीं एकदम दिखाना नहीं मैं अपन पति वैसा दिखाऊं पति दिखावे चल तो शादी कर बुतू और सुनना हां तोर घरो भीख बगाचा तेरे हरस खाते हैं नहीं है तब वो हाँ की देता हूँ हवा है हवा है हवा ना हाँ हवा हाँ तबे का चल ना तब भी खावा दे नहीं खावा मैं ओ ये बिही वाली गोरी देखे तुर बिही वो मलल चागे मोरे पक्का तुर बिही वो वाली गोरी देखे तुर बिही वो मलल चागे मोरे पक्का तुर बिही वो महुला तुर बिही लतो खाउन दे भुला तोरे आज मोला गाउन दे महुला तुर बिही लतो खाउन दे भुला तोरे आज मोला गाउन दे और झटे बारी तो बिचुमा कुआ है कई महीना के प्यासा देख तो मोर सुआ है और झटे बारी तो बिचुमा कुआ है साले टूराज का बे मोल सिद्धत वाला माया हो गरी से साले टूरा तिर माया हो गे मोला बे साले नियत खोटा चार बोझा भर मोला ये हालत कर दे साले तय है वो मोर बोझा चुराए चक्कर में देखा था साड़ी पहन के आए टूरी बन के आई है भग बे भग भग ओ ये बिही वाली गोरी देखे तुर बिही वो मैं हो गई तो बोला एक तो मम्मी मम्मी मैं नीचे में गिरे हुए ना राइस को बीनूंगा अरे उसको राइस ही बोलते हैं बेटा उसको धान बोलते हैं धान हाँ 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 उसी को बीनूंगा अच्छा ये टोपी ताको मिल गई बंधा गए रे हाँ बंधा गए अब कतिक बचे हैं ये उतनी बार की बचे हैं हाँ, आप रो क्यों रहे हो चाचा बिकट टाइम के देखा रहे होता तो ए मतलब थोड़ी बता हम लेकिन भूख प्यास लगा थोड़ी बिचारा भूख लगा थे एक तो जब हो जी भोजन बांधा
बोझल बांध है इसका नहीं से कहा था का बोझल बांध रहे आओ बांधना मतलब क्या होता है बांधना मतलब नहीं जाना बांधना मतलब अरे यानी बोझल बांधबो कहा गए ऐसे बांध के लेगबो कहा थे तो मम्मी तू कैसना कैसना तह पाला पड़े है ओइसने तो साले भतीजा है भतीजा तुतू तुनी कुकुर रे कुकुर तुतू फिर से मेरे लड़का को चिल्ला रहे हो एकदम से जब देखो तब मेरे लड़का को चिल्लाते रहते हो देख भैया तभी कह रहा हूं ले चुप 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 हो जाइए चल दोबारा मत चिल्लाना चला छत्तीसगढ़ी गोठियाए का तू रो देखा हिंदी मत धीरे-धीरे गोठियाने को गोठियाने को करा था चला ए बांध है दे बंधा गए है मेरा रोटी भर बंधा गए मैं बैठा हाँ लेते आराम कर दे और देख सुने ला हाँ चल पकड़ अरे छूट गए ये है ना ए देख ऐसे कर बे हाँ बता सम तो लल धर हाँ एला एला धर हाँ तीर तीर हुई थी आई तीर ना ये तीर मतलब क्या होता है जी घीच हुई तरफ घीचो आई घीच घीच तीर अब एला ना ऐसे करके बांध बांध अच्छा बांध हाँ बांध तीर अरे तीर ना फुसी नहीं तो आह फुसी नहीं कर रहा था आवाज अभी फुसी मतलब क्या होता है फटाका फोड़ता ना तो एक उठा फटाका मन नहीं फूटे फुस ले से हो जाते हाँ ऐसे यानी कि फूटा ही नहीं फुस ले इसने जल तेल लगे थे फुसी क्यों रे तो मैं फुसी हाँ तब फुसी आज जान रे पगली में चल आ ठीक नहीं करूंगी मैं चाहो नो हाथ नो हाथ ले अब तीर अब तीर तो रही हूँ और कितना तीर हूँ और कितना तीर हूँ कर रहा था वाज कब है सीख जाके हैं तो लक्षा तीर गढ़ ही माना था नहीं सीखा था नहीं उल्टा हूँ फागुल आये बात सिखाई फुसी क्या बोले है फुसी देखो जब पता भाई भाई की मत बता मत बता बंसुल्लू नहीं तो तेना जिंदगी मना कभू छत्तीसगढ़ी नहीं सीख सका बोले बार एकदम हबरा से थोड़ी ना सीख जाऊंगी हबरा से नहीं सीख जब ले तीर और एक मिनट ये बंसुल्लू मतलब बंसुल्लू नहीं बंसुल्लू हाँ जो भी उसका मतलब मतलब ना तोर मोर शादी करवाई सो जो भी मंत्र पढ़ी सो ही ना उल्ला की थे बंसुल्लू जान रही तो इसका मतलब अच्छा होता है कि बुरा अच्छा का अच्छा मतलब हाँ बंसुल्लू आपके बाबू जी बंसुल्लू आपकी मम्मी जी बंसुल्लू दोनों के दोनों एकदम अच्छे वाले मत बोल हाँ तो क्या हुआ इसका मतलब अच्छा ही तो होता है अच्छा होते भाई के ज्यादा तारीफ हुआ था मत बोल ठीक है जी आपके पूरे परिवार वाले एक नंबर के बकसुल्लू काला काला सीखो परे ना मैं भी हो गया ना हाँ मम्मी मम्मी मेरे को सीला नहीं मिला सीला नहीं मिला थी तब है ना ज्यादा दिमाग हूँ मतलब मत था यह ना ओ में रहे हवाई ना काकी थे गा कर ही में के लेग जाए के एक बोझा नान लेबे और टोरा जाबे जा लेक जाबी काम मर ही सर ही कहते हैं मम्मी क्यों मेरे को खुद नहीं मालूम बेटा क्या मतलब होता है जी इसका अरे तोड़ा जाबे मस्त जाके हूं हां तो किसको तोड़ा जाबे क्यों धान ला धान सीला ऐसा सीला हां जा आओ ज्यादा दिमाग ला मत खा फिर से चिल्ला रहे हो मेरे लड़का को नहीं तब देखो तब चिल्लाते रहते मेरे लड़का को लड़का को नहीं चिल्ला रहा हूं जान रही अरे वाह आप ही सीख रहे हो जी एक नंबर चुप हिंदी कर छत्तीसगढ़ी गोठिया कर समझ गई पढ़ी ना काले काले का करा था तोरे भाष लिखा है मोल लिखा नो है आपका तो बेटा हूँ डैडी अरे डैडी नहीं है महातारी मैं दादा काबर क्या उसने ये मम्मी है आप पापा हूँ अरे तोर दाई है मैं तोर दादा हूँ ना ना बेटा मम्मी पापा हाँ अरे दाई बाबू मम्मी पापा सॉरी मम्मी पापा दाई बाबू लेते मम्मी पापा हाँ चल बस चल जा भाई गहिला ले गया जाते हैं नहीं 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 इतना सारा आप उठा कर लेकर जा रहे हो हाँ अरे कन हवा है इतना सारा नहीं है सुन ना इसको किधर रखूंगी जी मुर्मुन्नी में रख मौक ठीक जी अरे यार ओ मेर हवा है ना ऐसे गांठ के रखे ना बड़ सारा
सुतेन में रखबे। गांज? गांज मतलब ना? हाँ चलो आप बताना मेरे को, मैं रख के आ जाऊंगी। चलो फेंक के आ जा, फेंक के आ जाना जा। कहा बताओ कैसे डौकी मिले, मर जा तो खतरनाक गांज वान लता को नहीं जाना। छत्तीसगढ़ डौकी कब बनी, जियत में नहीं बना, उसे लगा थे। भागो। क्या हुआ? तहना सुनती तहना है, पापा मत बोले का, का बोल बे बाबू, का बोल बे पापा, बाबू रे बाबू, पापा क्यों रे बाबू रे पापा। तभी है ना अपन दाई का पूरा भाकला छतरे और तो नाना नानी मन छेरकू राम हवा पूरा, उसने तभी हवा पूरा 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 निचट ताके थे भोकवा। का भोकवा? का भोकवा नहीं हो गया मम्मी। हाँ? बाबू ना आपके मतलब मेरे नानी नाना को क्या क्या बोल रहे थे, वो भाकला है ऐसे कर। पापा बोल रहे, पापा बोला करो अपने पापा को। तहे कैसे बाबू बोले थे? और क्या बोल रहे थे तेरे नाना को? वो क्या भौखला है, गधा है, कैसे जन्म दिया है तुम्हारी मम्मी को, ऐसे बोल रहे थे। हे भगवान, आप ऐसा बोल रहे थे? तो कैसे जान रहे भौखला है, गधा है कि ए तू सुन मारते क्यों हो? बाबू सुखोथन तेला सिखता तेरे, और भौखला है सकला है तेला जान ले। हां तभी नौ टंकी जान ए ती सुन जान था तभी चल सुखोत नहीं जान बुझ के हिंदी में गोठियार की था। हाँ तो मैं काबर सीखो हूँ। काबर आप कैसे आगे चला जान बुझ के? आपको भी छत्तीसगढ़ी आता है? हाँ थोड़ा थोड़ा आता है, फुस्ती बंसुल्लू आगे है ना थोड़ा सा। ले हम जाबो उती सिला उला सिला उला सिला सिला बिंबो रे चा। चलो जाओ आप लोग, मैं यहीं पे बैठी हूँ। बाय मम्मी। बाय बेटा। आए उती बल्ले देख के उठी वाला देख क्या हो जी, सब के हो गई। हाँ। हमरो हो जी ना तो सब लाए है करके ना मस्त घूमे जाबो है कोनो। वाओ देवर जी। हाँ। आप ना एक नंबर के बकसुल्लू और पुस्ती हो। बकसुल्लू? हाँ मस्त चल इस गाड़ी होनी ना। मैं बात फूसी मतलब जानता है? हाँ बहुत अच्छा। बहुत अच्छा दिखेगा फूसी मतलब? हाँ और बकसुल्लू मतलब बहुत बहुत अच्छा। फूसी मतलब का होते जाना था लेड़ा ता कुकुर के हुमा ता अबंग सुल्लू मतलब जाना था बैहा भूथा पगला मोला उसने कही थत्ता है भौजी। हे भगवान, मतलब आपके भैया मेरे मम्मी पापा सबको बंग सुल्लू फूसी मतलब सबको गाली दे दी। हे भगवान। भैया ने कहे भौजी तह हत कहा था महूल तो कहे सभी। नहीं नहीं आपके भैया बोले है देवर जी मेरे को पता। चल जल्दी चलो ती सकेलना खेत ल भैया करपा माला गरवा मर रहुंदा थी। अरे 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 अंधे हो गए हो क्या, एकदम से करपा को खून खून के जा रहे हो? वाह रे हिंदी बोले आता, हिंदी आते छतरी ठीक से बोले सीख ले पाई। सुनना सुनना मेरे को एकदम बढ़िया गोठियाना आता है ठीक ना, मेरे को हिंदी भी अच्छा गोठियाना आता है। दिखा देते कैसे गोठिया, आधा हिंदी और आधा छतरी ठीक से गोठिया सीख तो लिया था। मोटा ऊपर बने गोठिया थे बड़े पढ़े लिखे बोला बोलूं तो इंग्लिश में गोठिया जान रहे। हां हां ले लो मेरे को भी बोले तो मैं भी सुनूं। सुना दे जी अंग्रेजी में बोल। व्हाट नॉनसेंस तोर दादा अस्ती। वाह रे वाह रे बंसुल्लू फुसड्डी। तेमोर हस्बैंड ला कुछ भी मत बोले कर तो। कैसे नहीं बोलूंगी रे कैसे नहीं बोलूंगी, तेरा वा हस्बैंड मेरे को एकदम से का है व्हाट नॉनसेंस दादा अस्ती। अरे छोड़े ला सहल ले आए ढंग से बोले ला। बाप रे थम दीदी तोर सुनी लाग सो तुम। चल ओ फालतू बंसुल्लू सहल ले आए हो एकदम महंगा महंगा खेत ला लेवा थे। तेरे को पता है हमें क्यों आया हूँ? ये जितना जमीन दिख रहा है ना हाँ। बहुत सारा चीज है अभी इसमें, इसमें केमिकल निकलेगा बहुत सारा पदार्थ निकलेगा और यहाँ पे मैं इन लोग से सस्ते भाव में लेकर ना यहाँ बाहर से जितना आएगा ना बाहर देश विदेश से आएगा ना तुम लोग को प्लाट बना के यहाँ दूंगा और यहाँ गाँव के लोग कहाँ जानेंगे, इसलिए मैं यहाँ खरीद रहा हूँ जमीन। चलो देखते हैं कहीं पे होगा ठीक है। जब देखता भाई एकदम खाली यही काम लगा था, इतना पढ़े लिखे जनपढ़ वाले काम मत कर कर मत कर बोल तो समझ नहीं आवा। खेते खेत रात दो दिन खेत 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 तो और तब वो खर खेत में जाता था काम कर लो, खर खेत में जाता है तो गागिनीटा जोड़े जाता है लेबर के काम करे जाता है, कुछ नहीं सोचा तोला बस अपने पढ़े लिखे तेने भला जान और अच्छा कहीं नौकरी करते तेन बने हैं लेकिन तोला तो हाय हाय खेत है सूझे रही थे। मैं ना तुला कहा बता तो खुद ना मैं देखा मोला एकदम खुद अजीब से लगते जान रे इतनी ओती जा रही था तो मोला कैसे लगा थी बता हमारा इतना बड़ा छिटका कुरिया बैठा तो मोला नहीं लगा थी
देखे से तीन बोल डर थी तोर गुस्सा माँ माँ है ऐसा नहीं बोलते मैं तोला जब देखता अब तेखर घर जाता ओखर कान जाता काम में तो मोला कैसे लगा तू इतनी उतनी गिंजा के काम करता हस्त है बता ना और इतना पढ़े लिखे तेरे से तीन बोलते तो लखर अच्छा कहीं नौकरी कर लेते तीन ज़्यादा अच्छा रहती वही से तीन गुस्सा माँ बोल देते हम मैं तोला चुप ना जीते का बरवा नहीं लेना लेना चुप ना का लेना चुप ना मैं चुप हो जाती ना भीख में जाते मैं चुप ना चुप ना मैं जाता हूँ पढ़ने मैं नहीं जाता रो मत चुप ले चुप चलो ना तो फिर चलते हैं उन लोग खेत में चलो कैसे फगवा मालिक आए जी हाँ का मालिक आए कहाँ के मालिक है वो खेत उतला बेच देते आस पास खेत ला ले ले हवा हाँ बढ़िया रेट उतला बात कर लोगे खेत उतला बेच देते का रेट में देवा से खड़े का बात इसको बोलो ना 15 लाख देंगे इसका खेत में ऐसा भी तो इसके खेत में कुछ नहीं होता कितना में जाएगा धान लो धान उन बोएगा तो कितना में जाएगा 20,000 का जाएगा मुझको उससे अच्छा बोलो इसको 15 लाख दे रहे हैं हम लोग ठीक है अच्छा सा घर बना लेगा और काम बूता रहना रहेगा ना उसको ले लेगा वो फिर ठीक है मालिक का कहा था भाई खेत के 15 लाख दे देते हैं ऐसे भी हम धान उन कम कम के होते बढ़िया घर उर बनवा लेते हो कहा और इससे और मुनाफा क्या चाहिए जी बताओ ना 20,000 धान लगा रहे 20,000 पार हो और क्या बताओ उससे कोई मुनाफा हो रहा है क्या आप लोग को नहीं हो रहा है उससे अच्छा 15 लाख दे रहे हैं खेत ला ऐसे में हमारे घर रोल बना ले वो झोपड़ी असन में रहथन तेला बने आराम से का खेत खा के चक्कर महाज काला ठीक कहा था खेत ला बेच तू ठीक कागज बनी तो जाने खेत उतना मत बेच ईमन के का है ईमन ऐसे ले कर कतना में छत्तीसगढ़ में कतना खनिज पदार्थ है ईमन तुम पता नहीं जाने जाने मैं जानता मैं पढ़े होते हिमा उपजे हवा तेन लही मन खा के जिया था तेन में साले लेबर आए हवा ईमन तू मन सब जिन 15 लाख का होते तार का जिंदगी तो और गुजर जी 15 लाख में अरे 15 लाख में बेच दे कहा थे कैसे जी अही छत्तीसगढ़ हमर धान के कटोरे हिला अहिमा उपजाते तेन लही मन खावत है ओहिला 20,000 15 लाख जी घर हमे एकदम खदर कसे देखा मत बेचिया घर मन के फालतू फालतू के काफी तेजी फैक्ट्री बनाही प्रदूषण फैलाही आनी पानी के सब जी नही लालच में इमन लालच जाते 15 लाख के बाद बेच दे भाई ये कहा था भगवा भाई तो हां गऊ यदि मत बेच भी हमारे नहीं बेचन अपन खेत खाला रहा देख हमन वही चीज का कुरी हम रह जाओ ते बने झोपड़ी महिमा पूरा जीवन यापन चल जाएगा बेचना जरूरी नहीं है जितना भी होते पर रुकी सुकी चला लो हां नहीं बेचन की पे जाओ मैं बात आ देखो ना ये तो है नहीं बेचा जावा तू मन सेल द फार्म डंकी मैन तुम लोग क्या समझोगे बारे मुंह बंद कर समझ गए जितना कन तो तर पैसा हुई ना उतना कन डिग्री धर के बैठे छत्तीसगढ़ के आदमी रहता गंवार समझे इसका कैसे फगवा भाई हाँ ना सीधवा है तेरे मम्मा जाबे जान रहे समझ फगवा भाई कोनो कुछ नहीं कहा है सीधवा पर सीधवा नहीं तो डोमी करिया समझ गए अरे वैसे भी डिग्री रख के क्या कर रहे हो ये तो देख रहे हो धान तो वो कर रहे हो उठा रहे हो और क्या कर रहे हो डिग्री रख के होशियारी मत मार जान रहे तीला खा खा के पेट ना भरा था बस और डिग्री रख के क्या कर रहे हो एक साल में 20,000 पा रहे हो क्या मतलब बताओ ना इससे अच्छा 15 लाख रुपया आप लोग को दे रहा हूँ अच्छा जी ना खाना भाई 15 लाख का पूरा जिंदगी चला डा भी का क्या 20,000 रुपया एक साल में कमा रहे क्या जिंदगी चल जाता है क्या चल जाता है तो चलो ठीक है कैसा जाने खेत देखेंगे फिर चलो फिर अपने खेत अपने पास रखो चलो सुन जय जवान जय किसान किसान गवार समझ रहे थे ना यू आर क्रेजी हां गेट आउट ऑफ हियर डॉग ना वो तोला डॉग माने कुत्ता कहा दे अरे वो सब चीज मेरे को भी पता है पर एक बार बताऊं जी छत्तीसगढ़ के आदमी लोग को ना आंडू पांडू लोग नहीं लूट सकते यार चलो फिर हां चलना निकालना चलो चलो छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया संगवारी मल्ला राम राम संगवारी हो छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा के थे तो अपन खेत खार ला बेच बेच के नष्ट मत करो अपन खेती खार ला घला कमाओ और जो भी काम है तेनो ला करो जय जोहार जय छत्तीसगढ़।